जाओगे? तो पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर पूरा देश गुस्से में है। इस वक्त हम उद्योग भवन के पास मौजूद है और आप यहां पर जो भीड़ देख रहे हैं ये दरअसल वो लोग हैं जो पुलवामा में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर यहां पे खासा गुस्सा देखा जा रहा है। मनोज तिवारी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो मीनाक्षी लेखी दो और सांसद मीनाक्षी लेखी और महेश गिरी भी यहाँ जो एक कैंडल लाइट मार्च है वो पहुंचे। आप महेश गिरी इस वक्त देख सकते हैं, ये मनोज तिवारी को देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी लोग पहुंचे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही है, लोगों के मन में खासा गुस्सा कि इस तरह का आतंकी हमला आखिर पुलवामा में कैसे हुआ, कैसे हमारे जवानों को इतनी बेदर्दी से मार दिया। और सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है सभी के जहन में, बल्कि भारत में अभी इस वक्त एक ही सवाल है कि भारत के सामने विकल्प क्या है, जवाबी कार्रवाई क्या होगी और आखिर भारत इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए किस हद तक तैयार है। देखिए, भारत की सेना को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी, हमारे देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने जो इस पे रुख अख्तियार किया है वो देश के गुस्से और आक्रोश को देखते हुए सरकार भी उसी आक्रोश में भरी है। हम श्रद्धांजलि देने आए हैं अपने जवानों को, शहीद जवानों को, और इस हमले से बड़ा बदला होगा।